उड़ीसा में जापानी बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मलकानगिरी जिले में रविवार को दो मौतों के बाद जिले में इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या 67 हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक अभी करीब 100 बच्चे इस बीमारी की चपेट में हैं, जिनमें से 5 का मलकानगिरी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 2 को ICU में रखा गया है। वहीं 6 डॉक्टरों की टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर इस बीमारी के कारणों की समीक्षा की है। वहीं खबर ये भी है कि ओडिशा के बाद अब छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी जापानी बुखार ने दस्तक दे दी है। जिले के छिंदगढ़ इलाके की एक बच्ची ने मलकानगिरी के जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया, तो ये बीमारी लगातार पैर पसार रही है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है जापानी बुखार। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो वायरल संक्रमण की वजह से होता है। यह खास किस्म के वायरस के द्वारा होता है जो मच्छर या सुअर के द्वारा फैलते हैं, या यूं कह लें कि गंदगी से भी यह उत्पन्न हो सकता है। एक बार यह हमारे शरीर के संपर्क आता है फिर यह सीधा हमारे दिमाग की ओर चला जाता है। दिमाग में जाते ही यह हमारे सोचने, समझने, देखने और सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह वायरस सिर्फ छूने से नहीं फैलता, ज्यादातर 1 से 14 साल के बच्चों और 65 साल से ऊपर के लोग इसकी चपेट में आते हैं। इसका प्रकोप साल के 3 महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में अपने जोरों पर होता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है जापानी इंसेफ्लाइटिस के लक्षण। इसके शुरुआती लक्षण कई प्रकार के होते हैं। बुखार, सिरदर्द, गर्दन में अकड़, कमजोरी और उल्टी होना इसके शुरुआती लक्षण है, जबकि समय के साथ सिरदर्द में बढ़ोतरी होने लगती है और हमेशा सुस्ती छाई रहती है। भूख कम लगना, तेज बुखार, अति संवेदनशील होना, वही कुछ समय बाद भ्रम का शिकार होना, फिर पागलपन के दौरे आना, लकवा मारना और स्थिति कोमा तक पहुंच सकती है। वही बहुत छोटे बच्चों में ज्यादा देर तक रोना, भूख की कमी, बुखार और उल्टी होने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। और अब बात करते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के। इसके लिए सबसे पहले समय से टीकाकरण करना जरूरी है, साफ सफाई से रहना, गंदे पानी के संपर्क में आने से बचना होगा, मच्छरों से बचाव करना होगा, घरों के आसपास पानी ना जमा हो पाए खासकर बारिश के मौसम में, और बच्चों के बेहतर खान पान पर ध्यान दें। तो यह सभी तरीके हैं इंसेफ्लाइटिस से बचने के। आदिवासी इलाकों में इंसेफ्लाइटिस काफी तेजी से सर उठा रहा है। ओडिशा के बाद अब ये बुखार छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। इससे पहले कि ये बुखार यहाँ मौत का खेल खेले, ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन यहाँ कोई ठोस कदम उठाए। देखते रहिए डीबी लाइव।